Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. So let's start with the set number 27 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from previous SimCats, and the set is on Venn diagram, where the set says total 150 actors of Delhi Drama School appeared for Natki Khel, a mega audition for 6 movies, which will be produced by 6 different production houses. Dharma, Red Chilies, Phantom, Balaji, YRF and Reliance. Depending on the performance of the actors in audition, the actor will be called by each of these production houses for the next round of shooting. The following information is known about these actors. The sum of the number of calls received by the actor was 460. The number of actors who received calls from Dharma, Red Chilies and Phantom were 77, 82 and 80 respectively. The number of actors who received call from two producers was 6 times the number of actors who did not receive a call from any of the producers. The number of actors who received call from the Dharma and Red Chilies was 47. The number of actors who received call from all the three, Dharma, Red Chilies and Phantom, was 29. The number of actors who received call from at least one producer out of Dharma, Red Chilies and Phantom was 130. The following graph shows the number of actors who received call, total 1, 3, 5 and 6 call. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी एक्टर रिसीव्ड कॉल फ्रॉम टू प्रोड्यूसर, हाउ मेनी एक्टर रिसीव्ड कॉल फ्रॉम फोर प्रोड्यूसर, हाउ मेनी एक्टर गॉट अ कॉल फ्रॉम ओनली वन प्रोड्यूसर आउट ऑफ द थ्री प्रोड्यूसर धर्मा, रेड चिली एंड फैंटम. हाउ मेनी ऑफ एक्टर गॉट कॉल फ्रॉम टू प्रोड्यूसर्स आउट ऑफ द थ्री प्रोड्यूसर धर्मा, रेड चिली एंड फैंटम. ठीक है, सो बेसिकली एक स्टैंडर्ड वेन डायग्राम का प्रॉब्लम है जहां पे अपने को टोटल 150 एक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है. वो एक मेगा ऑडिशन पे जा रहे हैं जहां पे उनको 6 अलग अलग प्रोड्यूसर उनको ऑडिशन ले रहे हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस उनको नेक्स्ट राउंड के लिए पिक किया जाएगा. अब किसी भी एक्टर को या तो 6 वो प्रोड्यूसर पिक कर सकते हैं, या तो 5 कर सकते हैं, या तो 4 कर सकते हैं, या तो 3 कर सकते हैं, या तो 2 कर सकते हैं, या तो 1 कर सकते हैं, या तो कोई भी नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे अपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया वो 1, 3, 5 और 6 का दिया हुआ है. 0 और 2 और 4 का अपने को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, यानी कि 0, 2 और 4 कॉल्स वाले के बारे में कुछ नहीं पता. हाँ, 0 और 2 कॉल्स के बारे में पॉइंट नंबर 3 में ये जरूर पता है कि इनका जो रिलेशन है वो 1:6 के रेशियो में दिया हुआ है. नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड बाय दी टू एक्टर्स, मतलब टू कॉल्स रिसीव करने वाले एक्टर्स जो है वो 6 टाइम्स है टू द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट रिसीव कॉल फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोड्यूसर. 4 वाले का अपने को कुछ नहीं पता है. इसके अलावा अपने को ये जो 6 प्रोडक्शन हाउसेज है उसमें से 3 प्रोडक्शन हाउसेज के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें बोला गया है कि जो धर्मा है उसके जो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स वो देने वाला है वो 77 देने वाला है. ठीक है, जो रेड चिली है वो क्या देने वाला है, वो 82 लोगों को कॉल देने वाला है. एंड जो फैंटम है वो क्या देने वाला है, वो 80 लोगों को कॉल देने वाला है. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 भी लिख लिया. पॉइंट नंबर 4 क्या था, नंबर ऑफ एक्टर रिसीव्ड कॉल फ्रॉम बोथ धर्मा एंड रेड चिली, यानी कि धर्मा एंड रेड चिली यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन का जो नंबर है वो है 47. The number of actor who received call from Dharma, Red Chilli and Phantom, यानी कि तीनों वाला, यानी कि Dharma, Red Chilli and Phantom, ये नंबर है अपने पास 29 का. ठीक है, ये नंबर है 29. ठीक, at the number of actors who received call from at least one producer out of Dharma, Red Chilli and Phantom was 130. At least Dharma, Red Chilli और Phantom का जो नंबर है that is 130. ठीक है, कम से कम 130 का है. अब अपने को यहाँ पे 2 एलिमेंट है जो फिगर आउट करने हैं. पहला एलिमेंट है जो कि अपने को ये निकालना पड़ेगा कि 0, 2, 4 कॉल्स वाले कितनी है. दूसरा एलिमेंट है जहां पे अपने को वेन डायग्राम से ये चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस भी इसने जानबूझ के ऐसे प्लेस करे हुए हैं. पहले 2 पार्ट में आपको ये फिगर आउट करके निकलेगा, जब आप 0, 2, 4 वाला निकालोगे तभी आप आंसर कर पाओगे. बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में वो आपको वेन डायग्राम से बनाना पड़ेगा. बेसिकली 3 वेरिएबल वेन डायग्राम यहाँ पे होने वाला. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो पहला हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए मेहनत करते हैं. सो एक ऐसा डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से देयर आर इतने कॉल्स वाले हैं, 0 कॉल वाले, 1 कॉल वाले होने वाले, 2 कॉल वाले कुछ लोग होने वाले, कुछ 3 वाले होने वाले, कुछ 4 वाले होने वाले, कुछ 5 वाले होने वाले, कुछ 6 वाले होने वाले. ठीक है, इनका जो टोटल नंबर होगा वो क्या होगा, वो 150 ही तो होने वाला है, यही पता है. और इनकी जो कॉल मिला के होगी वो क्या होगी, वो 460 होगी, ये पता है, बिकॉज 150 एक्टर है और इनकी जो टोटल कॉल्स बन रही है वो 160 बन रही है. जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तो अपने को मतलब ये डेटा बारग्राफ में बेसिकली क्लियर कट दे रखा है. जैसे कि अपने को पता है कि 1 कॉल वाले कितने लोग हैं, 10 लोग, इन लोगों ने 10 कॉल उठाई होंगी. 2 कॉल वाले अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं, 3 कॉल वाले अपने को पता है 41 लोग हैं, 41 इनकी क्या हो गया, 123 कॉल्स इनकी मिलकर हो गई होगी, 3 1 3 और 3 4 12.
अच्छा, चार कॉल वाले के बारे में अपने को आइडिया नहीं है। बी, फाइव कॉल्स वाले कितने हैं? 19 लोग हैं। 19 यानी कि यहाँ पे आ गया 95। छह कॉल वाले कितने लोग हैं? यहाँ पे चार लोग हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया 24। अब है क्या, अपने को जीरो कॉल के बारे में कुछ नहीं पता, टू कॉल के बारे में कुछ नहीं पता, बट इनके बारे में एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ये दिया गया था, द नंबर ऑफ एक्टर्स हु रिसीव कॉल फ्रॉम टू प्रोड्यूसर वाज सिक्स टाइम द नंबर ऑफ एक्टर्स हु डिड नॉट रिसीव कॉल फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोड्यूसर। लेट्स से ए नंबर ऑफ लोग हैं, तो यहाँ पे सिक्स ए हो जाएगा, एंड क्योंकि ए नंबर ने जीरो कॉल उठी तो इनकी कॉल्स भी जीरो बनेंगी, बट इनकी कॉल्स क्या बन जाएंगी, 12 ए बन जाएंगी, क्योंकि इन्होंने छह लोग, सिक्स ए लोगों ने टू कॉल्स उठाई, तो इनकी टोटल कॉल्स कितनी बन जाएंगी, 12। सिमिलरली फोर के लिए ले लेते हैं बी कॉल्स, तो ये बन गया आपका 4B। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बन सकते हैं, यहाँ पे अपने को ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके। यहां से पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं, क्या बन रहा है, 7a प्लस बी इज इक्वल टू 150 माइनस दीज वैल्यू। ये वैल्यू कितनी है, 10, 41, 51, 51 एंड 19, 60 और 70, 70 प्लस 4, 74, यानी कि आ गया तुम्हारा 76। सिमिलरली हम ए और बी का यहाँ पे भी इक्वेशन बना सकते हैं, विच इज 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 460 माइनस दी रिमेनिंग वैल्यू, 10 और 123 इज 133, 133 एंड 95, 133 और 100 होता है 233, और 5 कम करेंगे तो 228, 228 में 24, 228 में 4 करेंगे तो 232, 232 में 20 ऐड करेंगे तो 252, 252 में 460 में से 252 को माइनस कर लेंगे तो 252 और 8 और उधर 200, यानी कि 208। अगर ध्यान दो ये 4 के मल्टीपल में, तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 52। अब आपके ये दो इक्वेशन बन गए 1 और 2, इन दोनों को कंपेयर करके क्या मिल रहा है, 3a प्लस यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, ये आपके बन जाएगी 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 और इधर आ गया ये आपका 2, यानी कि a की वैल्यू मिल गई 6, तो आपको भाई b की भी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे रख लो, a की वैल्यू 18 है तो b 52 - 18 कितना होता है, 52 - 20 होता है 32, और b की वैल्यू मिल जाएगी 34। ठीक है, अब यार ये चीज तो अपने को आसानी से निकल सकती थी, a और b की वैल्यू मिल गई 6 और 34। अब ये वाली वैल्यूज को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a और b की वैल्यू, तो बेसिकली मेरे को क्या मिल गया, a कितने थे, 6 लोग थे, और यहाँ पे हो जाएंगे 6a, यानी कि 6 टाइम हो गया आपका 36, और यहाँ पे हो जाएगा आपका b वाले कितने लोग, 34। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी एक्टर रिसीव्ड कॉल फ्रॉम टू प्रोड्यूसर, टू प्रोड्यूसर वाले कितने लोग थे, टोटल भाई 36 लोग थे, ये तो निकला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द एक्टर रिसीव्ड कॉल फ्रॉम फोर प्रोड्यूसर, फोर प्रोड्यूसर वाले कितने लोग थे, 34। ठीक, ये पहला दो पार्ट तो हमने आराम से फिगर आउट कर लिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेबल, यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेबल। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, अब अपने को क्या करना है, अपने को वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम के लिए अपने को ये तीन वेरिएबल का बनाना पड़ेगा, तो चलो थोड़ी जगह बना लेते हैं, बिकॉज ये वाली इन्फॉर्मेशन अपने को हटानी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन शायद काम आ जाए। चलो अब क्या करते हैं, तीन वेरिएबल का वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये बना लिया हमने, तीन सर्कल का बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका धर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 77 लोग थे, 77 बिकॉज यहाँ पे ये लिखा था, ये ले लेते हैं रेड चिली को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें कितने लोग हैं, 82 लोग हैं, ये यही लिखा था, और यहाँ पे ले लेते हैं फैंटम, फैंटम वाले में कितने लोग थे, 80 लोग। ठीक है, आपने ये तीन चीजें लिखी। अब अपने को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी, ऐसे लोग जो धर्मा और यानी कि तीनों में कॉमन है, धर्मा इंटरसेक्शन, रेड चिली इंटरसेक्शन, फैंटम, वो कितने लोग थे, 29 लोग थे, यानी कि ये थे 29 लोग। ठीक है, 29 लोग, ऐसे लोग जो धर्मा और रेड चिली के थे, यानी कि इस वाले हिस्से में, वो कितने थे, 47, 47 में से 29 तो ये है, तो ये कितने होने चाहिए, ये बन जाएंगे 47 में से 29 माइनस कर देंगे तो कितना बन गया आपका 18, तो ये आ गया आपका 18, ये वैल्यू मिल गई 18। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पता है, एक इन्फॉर्मेशन तो ये पता थी, एक इन्फॉर्मेशन ये पता थी, और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये पता है कि एटलीस्ट 130 होने चाहिए, एटलीस्ट 130 होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये हिस्सा है ए और ये हिस्सा मान लेते हैं बी, बिकॉज वेन डायग्राम में बहुत सारे वेरिएबल मत क्रिएट करना, कम वेरिएबल में चीजों को फिगर आउट करोगे तो आसानी से निकल जाएंगे और दिखाई देंगे।
जितने ज्यादा वेरिएबल बनाओगे ए बी सी डी ई एफ जी एच तो जेड तक पहुंच जाओगे, चीजें नहीं बनेंगी। तो ए और बी ले लेते हैं। ए बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 77। तो 77 में से 18 और 29 तो ये वाला हिस्सा है, विच इज 47, यानी कि ये हिस्सा कितना होना चाहिए, 30 माइनस ए, यानी कि ये वाला हिस्सा आ गया तुम्हारा 30 माइनस ए। ठीक है, ये वाला हिस्सा 30 माइनस ए मैंने यहाँ लिख दिया, उस जगह नहीं। ठीक, अच्छा इसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी निकाला जा सकता है, ये जगह कितना है, 82 में से क्या माइनस करें, 47 माइनस करें, तो यानी कि 47 में 40 ऐड करते हो तो 87, तो 35 माइनस बी लिख लो, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 35 माइनस बी, ये आपका ये वाला हिस्सा आ गया, यानी कि ये हिस्सा 35 माइनस बी है, यानी कि ये हम निकाल सकते हैं, बिकॉज अपने को ये हिस्सा पता है 30 माइनस है, ये पता है 29, ये पता है 35 माइनस बी, और ये पूरा सर्कल कितना है फैंटम का, ये 80 है, यानी कि 80 में से क्या क्या माइनस करा जाए, तो आप कितना माइनस करेंगे, 30, 35 और 29, 30 और 35 कितना होता है 65, 65 और 29 कितना होता है 65, और 30 होता है आपका 95, तो 94, यानी कि 94 और इधर हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, और जब हम 80 के इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस 14, क्योंकि 94 जब इधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये चीजों को यहाँ पे ए प्लस बी के फॉर्म पे लिख दिया। अब एक इन्फॉर्मेशन है जो अपने लिए हेल्पफुल है, क्या इन्फॉर्मेशन है, कि एटलीस्ट बी आर सी और फैंटम का जो सम दिया हुआ है वो 130 है। ये क्या है बेसिकली, जो 1 का दिया हुआ है ये यही चीज है ना, इसका इसका और इसका, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, अगर थोड़ा जगह बना लेते हैं इसको यहाँ पे ताकि थोड़ा आसान हो जाए, बिकॉज ये वाला पार्ट अपना फिगर आउट हो चुका है तो हम इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अपने को क्या पता है एटलीस्ट के लिए क्या होना चाहिए, ए धर्मा रेड चिली और फैंटम के लिए, तो ये आ जाएगा, अगर धर्मा का पूरा ले ले 77, अगर मैं डायरेक्ट ले लूं तो चलेगा 77 प्लस रेड चिली वाला 18 आ चुका है, 29 आ चुका है, यानी कि ये दो लेना बाकी, यानी कि प्लस बी प्लस 35 माइनस बी। ठीक है, फैंटम की बात करें तो ये हिस्सा हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है धर्मा के समय, ये हिस्सा काउंट कर लिया है, ये हिस्सा काउंट कर लिया, यानी कि ये हिस्सा बाकी बचेस ए प्लस बी माइनस 14, ये वैल्यू कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 130 का। ठीक है, तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, 77 और 35 में से 34 माइनस चला जाएगा, यानी कि 77 और 35 कितना होगा, 77 और 5 होता है 82, 82 और 77 और 5 होता है 82, 82 और 3 हो जाता है 112, 112 में आप 14 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 98 इज इक्वल्स टू 130, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई आपको 32। ठीक, अब इसी के बेसिस पे अपने को सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, कैसे निकलेगा वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी एक्टर गॉट अ कॉल फ्रॉम ओनली वन प्रोड्यूसर आउट ऑफ द 3 प्रोड्यूसर्स धर्मा रेड चिली एंड ये, मतलब ऐसे कितने एक्टर्स जिनको खाली एक जगह से कॉल आई है, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है, यानी कि वो इस हिस्से की बात कर रहा है, यानी वो इस हिस्से की बात कर रहा है, यानी कि बेसिकली वो क्या पूछ रहा है आपसे, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस 14 की वैल्यू ही तो पूछ रहा है। ए प्लस बी कितना है 32, ए प्लस बी कितना है 32, यानी कि 64 माइनस 14, तो ये कितना आ गया 50। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, पहले क्वेश्चन मतरी का आंसर होना चाहिए 50। ठीक है, चलो ये तो आसानी से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाउ मेनी एक्टर्स गॉट कॉल फ्रॉम 2 प्रोड्यूसर आउट ऑफ द 3 प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स धर्मा रेड चिली एंड फैंटम, ऐसे कितने एक्टर्स हैं जिनको दो जगह से कॉल आई, तीनों में से मिला के दो जगह वाला, यार क्या हुआ, एक तो ये 18 वाला हो गया, एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, यानी कि अगर हम बात करें 18 प्लस ये वाला हिस्सा कितना होता है 30 माइनस ए, और ये वाला हिस्सा कितना है प्लस 35 माइनस बी, यही नहीं पूछा था अपने से, यही तीनों का तो सम पूछा हुआ है, तो ये कितना हो गया 18 और 30 कितना होता है 48 और ये कितना होता है 48 और 5 हो गया आपका 53 और 30 83 30 और 35 और 73 हाँ 83 माइनस 32, क्यों, क्योंकि भाई माइनस ए माइनस बी लिखना है, यानी कि माइनस ए प्लस बी तो लिखना, और ए प्लस बी अपने को पता था कितना है 32 है,
83 माइनस 32 कितना हो जाएगा 51, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई वुड से रेट दिस एज अ मॉडरेट सेट बिकॉज इसमें मतलब है तो ये सेट बहुत ज्यादा इजी तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ डूएबल सेट है, मॉक वाले पेपर या पेपर वाले फेज में पक्का ही होना चाहिए सेट, ये ऐसा सेट है। बस इसमें दिक्कत ये है कि ये थोड़ा लेंदी हो रहा है बिकॉज दो अलग अलग एलिमेंट इस पूरे सेट के अंदर पूछ दिया, पहले दो एलिमेंट जो है एक अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और बाकी दो एलिमेंट एक अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।